हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना टॉपिक डिस्पर्जन। इसमें देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक नहीं है। इसमें हमने रेंज, क्वार्टाइल्स, अभी क्वार्टाइल्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, देखिए इंडिविजुअल के और डिस्क्रीट के, मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा चुका हूं। और आज का जो टारगेट है, जो वीडियो है हमारी, ये कंटिन्यूस सीरीज के लिए है बेटा। देखिए सबसे टेक्निकल कंटिन्यूस होती है, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसी में लेस देन, मोर देन के कंसेप्ट भी आते हैं। लेस देन है तो उसे ठीक करना होगा, मोर देन सीरीज है तो उसे ठीक करना होगा, मिड वैल्यू सीरीज है तो उसे ठीक करना होगा। तो इसके लिए आपको जरूर देखना चाहिए जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, पुराने सेक्शन में आप चले जाइए। मीन है, मोड है, मीडियन है, और खासकर कम से कम इसे ही पढ़ना है तो पार्शियल वैल्यू, उसमें मैंने आपको क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डिसाइल के बारे में पूरी तरह समझाया है। वहां न्यूमेरिकल्स भी मैंने लेस देन सीरीज का, मिड वैल्यू पॉइंट का, मोर देन सीरीज का, सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को मैंने वहां लिया, सो दैट कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आए, क्योंकि कंसेप्ट को समझना जरूरी है। हम क्वेश्चन लर्न थोड़ी करेंगे, हमें वो लॉजिक क्लियर हो जाए। और एक बार लॉजिक क्लियर हो जाता है बेटा, तो खाली किसी एक क्लास में नहीं, हम परमानेंट उसे सीख जाते हैं और हमेशा हमारे काम आता रहता है। हम कहते हैं ना, नाइन्थ में पढ़ा हमने, अबे नाइन्थ में पढ़ा, टेंथ में कोई आ रहा है, इलेवंथ में आ रहा है, ट्वेल्थ में आ रहा है, हम आगे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें हमारे पास यूज हो रहा है, एमबीए में यूज हो रहा है, हर जगह बार बार यूज हो रहा है बेटा। तो जरूरी है कि उसको कंसेप्चुअल पढ़ लें, और एक बार कंसेप्चुअल आ गया तो परमानेंट आ गया, और फिर आप कभी उसको गलत नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल जो कि कंटिन्यूस सीरीज का है। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, थोड़ा जरा आराम से पढ़ते हुए। कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। एक तो रेंज निकालना है और उसका कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। एक निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट, एक निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज और उसका कोएफिशिएंट, एक निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, ठीक है। सारे निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास बात तो ये समझिए, इन्होंने जो पूछा है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज तो हो गया क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, एंड इट्स कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बेटा वही होता है जो क्वार्टाइल कोएफिशिएंट होता है। हम कहते ना क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट या इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोएफिशिएंट, बोथ आर सेम, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बोर्ड पर आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज हमारा पास मेंटेन है। वेजेस इसमें दिया हुआ है, वेजेस मैंने यहां लिख दिया है, वेजेस को जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया है, 104 से 108, 108 से 112, 112 से 116, 116 से 120, इस तरीके से कंटिन्यूसली पहुंच जा रही है 140 तक। और इसमें दिया हुआ है बेटा नंबर ऑफ वर्कर्स, देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि ये क्वेश्चन मुझे दे दिया, एक बार मैंने क्वेश्चन को यहां फीड कर लिया, अब इसमें मेरा कोई रोल ज्यादा नहीं है, अब न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कंटिन्यूस सीरीज क्या परफेक्ट है या नहीं है। तो परफेक्शन बिल्कुल, 4-4 का डिफरेंस के साथ सीरीज दी गई है, कोई लेस देन, कोई मोर देन, कोई कंफ्यूजिंग नंबर्स नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब हमें निकालना क्या है, सीधा पार्शियल वैल्यू। तो पार्शियल वैल्यू निकालने के लिए, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज हो, आपको हमेशा निकालना है उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता, संचय यानी इकट्ठा करना है। देखिए कैसे करना है, सीरीज देखते चले जाइए और इसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। पहली वैल्यू है 6, तो टोटल 6 ही रहेगा, 6 में फिर 10 जोड़ा तो 16, 16 में 18 को फिर ऐड कर दिया 34, 34 में फिर ऐड कर दिया 30, 64, 64 में ऐड कर दिया 15, ठीक है 15, 79, 79 में फिर जोड़ दिया 12, 12 जोड़ते ही आ गया 91, 91 में जोड़ दिया 8, आ गया 99, 99 में जोड़ दिया 5, आ गया 104, 104 में जोड़ दिया 5, तो आ गया 109। यानी कि इस पूरे एफ का टोटल है 109, क्योंकि अंतिम वैल्यू 109 है। इसका मतलब सब जोड़ ही तो रहा हूं मैं, ऐड ही तो कर रहा हूं मैं, तो ऐड करते करते ही 109 है, यानी कि इसका टोटल लूं तो ये 109 ही है। एक बार और चेक करने से सब फायदा मिल जाता है कि हमने जो सीएफ बनाई है ये ठीक है, इसके प्लस माइनस में हमने कोई मिस्टेक नहीं की। अब 1-to-1, पॉइंट टू पॉइंट आप हर चीज कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। सपोज कीजिए आपको निकालना है रेंज, रेंज सबसे आसान चीज है, इसलिए सबसे पहले उसे ही बता रहा हूं आपको। सबसे बड़ी संख्या इस पूरी सीरीज में, एफ से कोई मतलब नहीं, सी एफ से कोई मतलब नहीं होता रेंज निकालने के लिए। सबसे बड़ी यानी ग्रुप में सबसे छोटा 104, सबसे बड़ा 140,
तो रेंज एल माइनस एस सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा इक्वल टू 36 रेंज आ गया। रेंज का कोफिशिएंट निकालना है तो सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करना है और नीचे सबसे बड़े में सबसे छोटा जोड़ना है। तो 140 में से 104 माइनस किया तो ऊपर 36 है ये, और 140 में 104 जोड़ा तो टोटल आया 224। तो 36 डिवाइडेड बाय 244 डिवाइड करते ही आंसर आ गया आपका 0.147। तो 147 क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट रेंज, और रेंज है केवल 36। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हमें क्या निकालना है? एक उसने हमसे पूछा इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक क्वार्टाइल 3 और एक चाहिए क्वार्टाइल 1। बस ये दो ही चीज चाहिए। ये दो चीज है तो सारी चीजें निकलेंगी। इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालो, इंटरक्वार्टाइल रेंज में सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालो, क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, इंटरक्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट निकालो, एक ही बात है। वैसे भी एक ही बात है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी या कोफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज, दोनों का फार्मूला सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। तो मैंने केवल एक बार निकालूंगा और एक से ही दोनों कैलकुलेट हो जाएंगी। बार बार एक ही बात को कैलकुलेट करने का क्या फायदा? कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी या कोफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज, दोनों का मतलब सेम होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो सबसे पहले हमें जो चीजें निकालनी है वो है क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 को मैंने यहां निकाला है, क्वार्टाइल 3 को वहां निकाला है। सबसे पहले क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए कंटिन्यूस या डिस्क्रीट सीरीज में, खासकर डिस्क्रीट में आपको प्लस 1 का इस्तेमाल नहीं करना होता। किसी भी पार्शियल वैल्यू में जब आप कंटिन्यूअस में होते हैं, डिस्क्रीट में कर सकते हैं, इंडिविजुअल में तो करना कंपलसरी होता है, हाँ तो करना ही है, करेंगे नहीं तो आंसर नहीं आएगा। और यहां पर आपको प्लस वन नहीं करना है, तो 109 यानी कि क्वार्टाइल वन निकालना है तो n बाई 4 इंटू 1, 109 को 4 से डिवाइड कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से तो करो मत करो, तो 27.25 हमारे लिए हमारे CF में कहां मिलेगा मुझे? तो 27.25 6 के अंदर नहीं आएगा, 16 में भी नहीं आएगा, 34 में आएगा, ऊपर से लेकर चलते हैं 34 के अंदर आ जाएगा। तो ये जो पूरा ग्रुप है मेरा, ये देख रहे ना, ये जो ग्रुप चल रहा है ये है मेरा मीडियन ग्रुप, या हम जब क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो क्वार्टाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप है जिसके अंदर ये L1 है, ये L2 है, ये F है और ये CF है, यानी कि जो वैल्यू देख रहे हैं उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू CF है। और अब फार्मूला लगा दीजिए, L1 प्लस I अपॉन F Q1 माइनस C। मीडियन निकालते थे तो स्मॉल m माइनस C, वहां 2 से डिवाइड करते थे, यहां 4 से डिवाइड किया हुआ है, ये तो डिफरेंस है। L1 112, बहुत बढ़िया, 112 और 116 के बीच डिफरेंस 4, यानी क्लास इंटरवल 4, इनके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी 18, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 18 क्लियर है। 112 तो आपका L1 हो गया, I4 हो गया और F हो गया 18। अब क्या माइनस करना है? Q1 माइनस C। Q1 कितना है? Q1 अभी हमने सॉल्व किया डिवाइड करके 27.25। C का मतलब CF है, CF कितना है? 16। तो इसमें से 16 को माइनस कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करिए आप, 27.25 में से 16 माइनस कर लीजिए, आ जाएगा 11.25। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 से डिवाइड करूंगा और इस 112 को बिल्कुल बाहर रखूंगा। इसमें मिस्टेक नहीं कर देना, सारी कैलकुलेशन यही गलत कर देते हैं बच्चे। ये 112 तो बिल्कुल बाहर है। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 11.25 डिवाइडेड बाय 18 2.5, तब उसको 112 में ऐड करूंगा और निकल कर आ गया मेरा क्वार्टाइल 1 114.5। सेम क्वार्टाइल 3, बिल्कुल सेम स्टाइल है। देखिए क्वार्टाइल 1 निकाला, ऐसे ही सेम टू सेम क्वार्टाइल 3 करने के लिए क्या करना होगा? वही n बाई 4, 1 जहां 1 लिया था यहां पर लिया है 3, तो n बाई 4 यानी 109 डिवाइडेड बाय 4, ये निकल कर आ जाता है 27.25, 3 से मल्टीप्लाई कर दी 81.75, यानी कि क्वार्टाइल 3 81.75 है। और अब हम इसके थ्रू परफेक्ट क्वार्टाइल 3 को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे अपने CF में ढूंढिए।
सिक्स में नहीं आ सकता, सोलह में नहीं आ सकता, 34 के अंदर ये नहीं आएगा, ये तो 64 में नहीं आ सकता, 79 में भी नहीं आएगा, ये आएगा जाकर 91 में। तो ये वाला जो ग्रुप है मेरा, ये क्वार्टाइल के लिए L1, ये L2 और ये F, और जो आंसर आता है उसके जस्ट ऊपर CF होता है। फार्मूला सेम टू सेम वही, L1 प्लस I अपॉन F। यहां Q1 था तो Q1 लगाया, मैंने कहा मीडियन होता है तो मीडियन लगाते हैं, क्वार्टाइल है तो क्वार्टाइल, ऑक्टाइल तो ऑक्टाइल, डिसाइल तो डिसाइल, परसेंटाइल तो परसेंटाइल, कुछ भी निकाल लो, सब में एक ही फार्मूला है। क्वार्टाइल 3 निकाल रहे हैं तो क्वार्टाइल 3 माइनस सी। तो अब देखिए L1 कितना था मेरे पास, 124। इन दोनों का अंतर यानी क्लास इंटरवल है 4, 124 क्लास इंटरवल 4, सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है इसके 12, तो 4 डिवाइड बाय 12 है। अब आगे क्वार्टाइल 3 माइनस 3, क्वार्टाइल 1 कितना, क्वार्टाइल 3 कितना है 81.75 माइनस CF यानी C कितना है 79। जस्ट जो आंसर आया उसके ऊपर 79, तो 81.75 में से माइनस करिए 79, तो 81.75 माइनस 79 इक्वल टू 2.75। फिर वही है, 124 को टच नहीं करना है, ये बिल्कुल बाहर रखिए आप इसे, 4 इंटू 2.75 डिवाइडेड बाय 12, चाहो तो 4 3 जा 12 और 3 से 2.75 को डिवाइड कर लो और ये आया हमारे पास 0.917। और अब इसको 124 में ऐड करूंगा तो निकल कर आ गया 124.917। तो क्वार्टाइल 3 अवेलेबल है, क्वार्टाइल 1 अवेलेबल है, 3 ये रहा 1 ये रहा, दोनों आ गए अवेलेबल। अब जो चाहो निकाल लो, बड़ा आसान सा काम है, केवल हमें पता होना चाहिए कि भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 है 124.917, क्वार्टाइल 1 है 114.5, इसमें से इसको माइनस करा, निकल कर आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज जो उसने हमसे पूछा था। एक उसने हमसे पूछा था कॉफिशेंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, यही है, इसी को कहते हैं क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, यानी क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, नीचे क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 3 में से माइनस किया क्वार्टाइल 1 को 10.42, ये तो यहां पर भी आ रहा है, यहां डिवाइड करना है 239.42, टोटल कर लिया, इसको इससे डिवाइड करा, आंसर आ गया 0.043। डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेटर चलाना है बस, कुछ नहीं करना है, ऊपर माइनस करना है, नीचे ऐड करके फिर डिवाइड करना है, आंसर आ गया। अब ये क्या निकला हमारा, या तो मैं ऐसा कहूं कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, या मैं कहूं इसे कॉफिशेंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन और एक है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये दोनों भी एक ही होते हैं, ध्यान से देख रहे ना, एक ही बात है, या तो मैं कहूं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या कहूं क्वार्टाइल डेविएशन, एक ही बात है, या मैं कहूं इंटर क्वार्टाइल रेंज कॉफिशेंट या कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये दोनों सेम है, देख लीजिए, इसमें भी निकाला और चाहे इसमें निकाल लो, दोनों सेम है। डेविएशन निकालना है तो डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है, डिफरेंस निकाला तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, 10.42, 2 से डिवाइड करा 5.21, या इसे कहिए क्वार्टाइल डेविएशन। तो नाम का जरूर विशेष ध्यान दीजिए कि हम उसे क्वार्टाइल डेविएशन कहें या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहें, हम उसे इंटर क्वार्टाइल रेंज कहें या सेंट्रल 50% वैल्यू कहें, ये सेंट्रल 50% वैल्यू के लिए यही निकालना होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहें या क्वार्टाइल डेविएशन कहें, कॉफिशेंट के लिए चाहे आप इंटर क्वार्टाइल रेंज कॉफिशेंट कहें या कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कहें, दोनों का मीनिंग सेम टू सेम होता है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज में भी अपनी कोई भी पार्शियल वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है पार्शियल वैल्यू में, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस, देखिए वीडियोस देख रहे हैं हम, ठीक है ना, समझ में सारा आ गया सब कुछ, एक एक पॉइंट अगर आप सारी वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं टॉपिक को, तो प्रॉब्लम तो कभी आनी ही नहीं है। लेकिन बेटा थोड़ी सी कुछ न्यूमेरिकल्स यदि हम प्रैक्टिस कर लें अपने हाथ से लिखकर, तो हमारी जो कमांड है वो अच्छी हो जाती है। हम कितना ही वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ अपने हैंड रिटन में कुछ करना होता है, और वीडियो देखते समय आप सारे फार्मूलास को अपने पास नोट करके लिखते जाएं, सो दैट कि आपको भटकना ना पड़े कि किसी के लिए क्या फार्मूला लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, बिल्कुल कंटिन्यू आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है बेटा, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।